गाइस वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, इस पेड़ को कहते हैं औलाद का फल। औलाद का फल क्यों कहते हैं इस पेड़ को और क्या मतलब इसका वाक्या है, क्या कहानी है इस पेड़ की औलाद के फल की कहने की, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस पेड़ के बारे में कि औलाद का फल क्यों कहा जाता है और अगर आप इस फल को कैसे खाएंगे और क्या सिलसिला है इस पेड़ का। पूरी जानकारी दूंगा इस पेड़ के बारे में कि औलाद का फल क्यों कहा जाता है और कई लोगों को इससे औलाद भी मिली है, माशाल्लाह कई लोगों को मिली है। तो पूरी जानकारी अपन लेंगे इस पेड़ के बारे में, तो वीडियो को पूरी जोर देखना अगर आपको इस पेड़ की जानकारी चाहिए। और जिसकी औलाद नहीं होती है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अखिल भाई के, और यहाँ पे पता कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ करनी पड़ेगी इस फल को खाने की। ये यहाँ पे तीन पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ यहाँ पे और एक पेड़ बाहर है मेन गेट के इधर, वो दिख रहा है गेट, एक अला पेड़ है। यहाँ पे दोनों पेड़ों तीनों पेड़ों को औलाद का फल कहा जाता है माशाल्लाह। और अभी मैं अखिल भाई से मिलता हूँ और उन्होंने जानकारी लेता हूँ इस पेड़ के बारे में थोड़ा। ये रहा एक पेड़ बाहर, ये औलाद का फल है, औलाद का फल कहा जाता है इस पेड़ को। अभी अखिल भाई आ रहे हैं, अखिल भाई से हम मुलाकात करके जानकारी लेंगे इस पेड़ के बारे में। और देखिए माशाल्लाह काफ़ी लोग खरीदते हैं फल को और कई लोगों को माशाल्लाह यहाँ से औलाद भी नसीब हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए अखिल भाई से मुलाकात करते हैं और जानकारी लेते हैं पेड़ के बारे में कि इस पेड़ का सिलसिला कैसा चला है और क्या कहानी है इस पेड़ की पूरी और क्या चीज़ है इस पेड़ में। अभी हम आए हुए तारागढ़ की दरगाह हजरत सैयद मीरा हुसैन सरकार की दरगाह पे, और भाईजान से हम पूछेंगे कि ये जो पेड़ है औलाद के फल का पेड़ कहते हैं इसको, तो इनों के बारे में पूछेंगे कि कई लोगों को औलाद यहाँ से मिली है और क्या क्या इनों का वाकया इस पेड़ का। तो भाईजान बताएं आपका नाम और इस पेड़ का। जी मेरा नाम सैयद अखिल हुसैन है, मैं सज्जादा खादिम हजरत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार हूँ और यहीं पर हमारा रहते हैं, सरकार की खिदमत करते हैं। और पेड़ के बारे में बताएं कि क्या करामत है। इस पेड़ का नाम गूंदी है और जिन हजरात के औलाद वगैरह नहीं होती है इसका फल लेके जाते हैं, और ये जो शहीद आराम फरमा रहे हैं ये औलाद बीबी फातिमा जहरा हैं, औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, ये औलाद हुसैन हैं। इनके दर से जो भी सच्चे दिल से दुआएं मांगता वो मायूस नहीं लौटता है। जिस तरह से कि सरकार दो आलम का दौर था, एक राहिब करके सरकार के खिदमत में पहुँचा और कहने लगा कि सरकार मेरे औलाद नहीं है तो आप अल्लाह से दुआ फरमाइए, तो जनाब रसूल खुदा ने कहा तेरे किस्मत में औलाद नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा मैंने एक दिया, ऐसे करके उसको सात बेटे अता फरमाए, ठीक है ना। तो ये औलाद अली औलाद रसूल हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह की बारगाह ये औलाद हुसैन है। यहाँ जो भी आता है अकीदत से इस फल को खाता है और रोज़ा रख के खाया जाता है तो सरकार औलाद की दौलत से नवाजते हैं। परवरदिगार नवाजने वाली परवरदिगार की ज़ात है, लेकिन वसीला उसके मुकद्दस बंदों का है। ये पेड़ है देखिए माशाल्लाह हरा भरा पेड़ है। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके भाई को सपोर्ट बनाए जरूर रखना। और मेरी बात सुनो, वीडियो पूरी जरूर देख लिया करो। अगर आपके भाई की आपको जरा सी भी मेहनत लगती है वीडियो में तो वीडियो को पूरी जरूर देख लिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में एक और आपको दिखाने में। मैं सुबह निकला था घर से, सुबह निकलने के बाद मैं शाम को घर पर आया हूँ, तो इतनी सी भी आपको मेहनत दिखे मेरी तो वीडियो को पूरी जरूर देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके आपकी मेहनत आपके भाई की मेहनत को सफल करें। मिलेंगे ऐसी नए ब्लॉग में, जब तक ले टाटा और अल्लाह हाफिज़ गाइस।